करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जैसा कि आपको ये पता होगा कि मैं काफी दिनों बाद आया हूँ, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा आता हूँ चीज दिखाने वाला हूँ जिससे आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। आप हमारे साथ चलते रहिए, बात शुरू होकर के हम कहाँ जाएंगे रखिएगा हमारे इस वीडियो पर। आगे हम आपको दिखाते हैं नया वीडियो। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे मिस्टर सिंह चैनल पर। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको आगे भी दिखाएंगे, अभी ठीक हमारे आपके राजा साहब की एक साल को भी कही जाती थी, जिन पर कैदी रखे जाते थे। कैदी के रखने के साथ साथ इन्होंने अपने क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ पर यह पार्टी किया था। पांच कैद खाने हैं जहाँ पर मामूली कैदियों को रखा जाता है, कैदियों को सजा देने के लिए उनके कर्मचारी अभी यहाँ पर पूरा मकान यहाँ तक खड़ा दिया गया है जहाँ पर हमें सजा दी जाती है। लोगों का कहना ऐसा है और हमें हवेली के उस क्षेत्र में है, ठीक हवेली के बाएं तरफ का हिस्सा आप देखेंगे तो ऊपर का थोड़ा सा एरिया गिरा हुआ है। आपको जो हम दिखाएंगे या सामने आप देखेंगे तो मरम्मत चल रही है, उसकी मरम्मत इसमें करवाई जा रही है। ऐसा सोचा अगर हमारी हवेली ही सुरक्षित नहीं है और हमारे उस जमाने की है जहाँ पर हमारे बाबा काम किया करते थे, यहाँ के जमींदारों का भी ये जमीन उन्हीं की दी हुई है। हम हवेली के आज मुख्य द्वार पर खड़े हैं जहाँ पर राजा साहब एंट्री करते थे, और एंट्री करने के मुख्य द्वार पर लॉकर एरिया है।
साथ आपको नई हवेली अगर देखना है तो हमारे ठीक पीछे आपको मिलेगी, जो कि लॉकर एरिया में है। वहाँ पर कर्मचारी आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे कर्मचारी हैं। और मैं बता दूं, कुंवर साहब लखनऊ में रहते हैं लेकिन उन्होंने अपनी हवेली को छोड़ा नहीं है और वो जानना चाहते थे कि हमारी हवेली ऐसा क्या करेगी। फिलहाल आपकी वीडियो में इतना ही, और मैं कैमरामैन गौरव प्रताप सिंह के साथ शिवेंद्र प्रताप, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सिंह के, आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने वीडियो में आप हमें जरूर बताएं कि हमें और क्या नज़दीक में आपको दिखाना चाहिए था। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपकी अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। मैं हूं आपका अपना शिवेंद्र, मिस्टर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपने सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी बता सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया और क्या आगे आप जानना चाहते हैं। जैसा कि मैं अभी हूं यहां पर सुदौली की हवेली में, सुदौली के राजा यहां पर जो थे, अभी लखनऊ में उनका निवास है, तो उनकी हवेली का मेन द्वार हमने बड़ी सिपाही से खुलवाया है। तो हम आपको ले चलते हैं उस मेन दरवाजे के अंदर, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मेन द्वार को मिलाने के बाद यहां इस इतने से एरिया में 16 दरवाजे हैं। 16 दरवाजों में आप काउंट करेंगे तो प्रत्येक दरवाजे के पीछे भी एक दरवाजा है जहाँ पर उनके गेस्ट रहा करते थे। ये उनका मुख्य द्वार है, इसे आप सभा कक्ष भी बोल सकते हैं। सभा कक्ष के जस्ट ऊपर देखें आप, थोड़ी सी डिजाइनिंग की गई है जैसा कि काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर भी हम आपको ले चलते हैं, अंदर में भी आपको दिखाएंगे क्या है अंदर। जरा सा काफ़ी अच्छी हवेली है। हम आपको 16वें दरवाजे से अंदर ले चलते हैं जहाँ पर हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली में आ जाइए आप, आज भी यहाँ के उन पत्थरों में वो बात है जो कि पहले लगे हुए थे। ये पत्थर नए नहीं लगे हैं, ये राजा साहब के जमाने के हैं। आप देखेंगे पत्थरों में वही लाए। इनके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको 8 द्वार मिलेंगे, 3 इधर 3 इधर, 2 उधर और 2 इधर। दरवाजों के अंदर दरवाजे रखने की पुरानी हवेली की एक रीति थी। हम आपको ले चलते हैं हवेली के उस ऊपरी छोर में जहाँ पर आपको देखने लगे आंगन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछले सिरे में ये सीढ़ियां बंद हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इन पे पानी नहीं आ सकता है, कोई भी बाहरी आपत्ति नहीं आ सकती, आपत्ति नहीं आ सकती है। हम आपको सीढ़ियों से ले चल रहे हैं पहले सिरे पर, पहले हिस्से पर आपको ले चलेंगे। पहले महल पर आप देखेंगे यहाँ पर काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। आपको उस दरवाजे में ले चलते हैं जहाँ पर गेस्ट में आप देखेंगे यहाँ की टेबल, स्टूल, सोफे, काफी पुरानी चीजें हैं लेकिन अभी आपको वो नई चीजें नहीं मिलेंगी जो उन्होंने संभाल के रखी थी। ये उनके पुराने ख्याल थे, देखिए कुछ ये इनके आप देखेंगे ये थे पुराने के बेल्ट। बेटों की आप नीचे की नक्काशी देखेंगे, ये जो है ये लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी नहीं है। और इसी में हम आपको दिखाएंगे कुछ नई चीज, ये उनके जमाने की कुछ, ये एक रही तस्वीर इन्हीं की, किसी खानदान की, परिवार की तस्वीर आप देखेंगे, कौन है पहचान नहीं सकते। और उस समय हम आपको दिखाएंगे कि हमें कुछ बुक्स के पन्ने मिले हैं और ये हम आपको बता दें 1946 के हैं, मार्च के ये बुक्स आप देख सकते हैं। पढ़ने के शौकीन अभी आप हैं, फिल्म स्टूडियोज लेबोरेटरीज 1946 की बुक्स आप यहाँ पर, उसके पन्ने कुछ हिस्से मिले हैं और बेड के कई हिस्से हैं आपको यहाँ पर, जो भी है जो भी है हम नहीं जा सकते। और ये है बालकनी खिड़की जहाँ से आप हवेली का पिछला हिस्सा आराम से देख सकते हैं, और एक नहीं है, 2 से 3 हैं। ये है वो बाथरूम जहाँ पर वो नहाते थे, वाटर, इंग्लिश वाटर, और ये वॉश बेसिन लगा हुआ है। ये रही बाहरी, ये रहा सावर, वो ऐसे जमाने का सावर है जो कि आप यहाँ से चालू कर दिया, अभी अपने बनाएंगे पूरी वाटर सप्लाई है, छोटा सा है लेकिन फिर भी ये उनके लिए है। ठीक है, जैसा कि आपको इतना ही दिखा पाएंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा जल्दी में आएंगे।
ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे फिर जल्दी से। थैंक यू।